खड़ा क्यों? चर्चा नहीं किया जब तक है। अब मैं कहता हूँ अमय मिश्रा बाहर घर से निकले क्यों? क्योंकि सरकार पलटनी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यही कविता का अलख जगाना विराट 24 न्यूज का मकसद था, जो कि अनवरत जारी रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव और नगरीय चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार से ये सिद्ध हो गया कि राजेंद्र शुक्ला कभी अपने दम पर चुनाव जीते ही नहीं। कांग्रेसियों की कमजोरी, उनकी नाकामी और भीतरघात की वजह से वो जीतते आए हैं। तत्कालीन कांग्रेसी पुष्पराज सिंह की खामी का लाभ राजेंद्र शुक्ला को मिला और वो जीतते चले गए। आज मेयर चुनाव में केवल बीजेपी का संगठन चुनाव नहीं हारा, बल्कि सांसद जनार्दन मिश्रा और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला दोनों ही हार गए। बीजेपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये हार उसका खुलासा है। क्या वाकई तस्वीर बदलने वाली है? अभी तक रीवा में ही नहीं, विंध्य में विधायक राजेंद्र शुक्ला ही सब कुछ थे। हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को क्या जवाब देंगे राजेंद्र शुक्ला और जनार्दन मिश्रा, स्वयं वो भी नहीं जानते। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अभय मिश्रा को मिले वोटों से ही यह तय हो गया था कि राजेंद्र शुक्ला का जनाधार अब खिसकने लगा है, कोई और टक्कर देने वाला मिल गया है। मेयर चुनाव में अजय मिश्रा को टिकट मिलते ही अभय मिश्रा ने कहा था कि अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं। लेकिन राजेंद्र शुक्ला ने शायद बहुत हल्के में अभय की बात को ले लिया और अब परिणाम आपके सामने है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में शहर में बीजेपी 10,000 वोटों से जीती थी, वहीं मेयर के चुनाव में इतने ही वोट से बीजेपी हार गई, यानी कांग्रेस का वोट इस बार बीजेपी को नहीं मिला। और अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला से अपनी हार का बदला मेयर चुनाव में ले लिया। रोटी जली क्यों? सड़ा क्यों? तो पलटा नहीं गया जब तक है। अब मैं कहता हूँ अमय मिश्रा बाहर घर से निकले क्यों? क्योंकि सरकार पलटनी है। विक्ट्री विक्ट्री इस चुनाव में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मालूम था। और यही वजह थी कि दो बार मुखिया शिवराज सिंह चौहान का संभागीय मुख्यालय रीवा में आना इस बात का संकेत था कि बीजेपी हार रही है। पंचायत चुनाव में बीजेपी विधायक के नात रिश्तेदार विधानसभा के अध्यक्ष के बेटे का चुनाव हारना बताता है कि बीजेपी का संगठन कमजोर हुआ है। शहर में भी बीजेपी का संगठन कमजोर है, यानी अगला विधानसभा चुनाव राजेंद्र शुक्ला के लिए बेहद कठिन होगा। शहर में राजेंद्र शुक्ला के 10,000 वोट कम हो गए, ग्रामीण एरिया में भी यही हालत है। यानी अगर कांग्रेस इसी तरह से एकजुट रही तो राजेंद्र शुक्ला अगला विधानसभा चुनाव रीवा से करीब 20,000 से 25,000 वोटों से हार सकते हैं। जनता के लिए सीमेंट विकास नहीं होता, परिणाम यही कहते हैं। राजेंद्र शुक्ला की राजनीति और रणनीति अब खोखली हो गई है। जनार्दन मिश्रा का सियासी भविष्य भी अब दांव पर है। कब तक मोदी राजेंद्र और शिवराज के दम पर जीतेंगे? उनका अपना राजनीतिक घनत्व अब कांग्रेस के स्केल में नहीं है। जिले में 2023 के चुनाव में बीजेपी 3 से 4 सीटें खो देगी, ये जानकारों का कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र शुक्ला यदि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से कहते हैं कि भीतरघात की वजह से वो मेयर का चुनाव हारे हैं, तो ये जवाब उनके लिए ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की तपिस विधानसभा चुनाव तक बढ़ जाएगी। मेयर चुनाव जिस रणनीति से अभय मिश्रा, राजेंद्र शर्मा और पूरी कांग्रेस ने लड़ी है, यदि यही स्थिति 2018 के विधानसभा में भी कांग्रेस दिखाती तो रीवा से अभय मिश्रा चुनाव जीत जाते।
जो कि ऐसा हुआ नहीं। और राजेंद्र शुक्ला को इस बात का घमंड हो गया कि जब तक कांग्रेस में फूट रहेगी तब तक उन्हें कोई शह नहीं दे सकता। बताया जाता है कि पिछले चुनाव में शहडोल में रीवा के कांग्रेसी पैसा लेकर लौट आए थे। कांग्रेस उनका पुराना खेमा है, वो जानते हैं कि पैसा देकर कांग्रेस में कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इस बार जिन कांग्रेसियों के दम पर वो चुनाव जीतते आए, वही मेयर चुनाव में उन्हें और बीडी शर्मा के संगठन को हरा दिया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान की चिकनी बातों का सम्मोहन अब जनता पर से उतर गया है? उन्होंने कहा था कि रीवा को 10 साल में प्रदेश का नंबर एक जिला बना देंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब इंदौर और भोपाल में 10 साल तक विकास की खिड़की बंद हो जाए। सिंगरौली को सिंगापुर बना रहे थे, वहां आम आदमी पार्टी आ गई और शिवराज सिंगरौली को सिंगापुर ही बनाते रह गए। दरअसल राजेंद्र शुक्ला की योजना से जनता अघा गई थी। 17-18 साल से नेशनल हाईवे बन रही है पर बनी नहीं। बनाना और तोड़ना ये काम राजेंद्र ज्यादा किए हैं। और अब कांग्रेस का मेयर होने से राजेंद्र शुक्ला की राजनीतिक योजनाएं अपाहिज हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। बहरहाल 8 बीजेपी के विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री का रोड शो कोई काम नहीं आया। और अब जानकार कहने लगे हैं कि राजेंद्र शुक्ला नहीं बदले तो उनकी राजनीति का अंत श्रीनिवास तिवारी से भी बुरा हो सकता है। आइए इस संबंध में सुनते हैं कुछ सामाजिक, राजनीतिक और कानून के जानकारों को कि उनकी क्या राय है। पहले सुनते हैं मीसाबंदी अजय खरे को कि उन्होंने इस जीत के संबंध में क्या कहा है। रोटी जली क्यों, सड़क क्यों, क्योंकि पलटा नहीं गया। मुझे जनता है, अब मैं कहता हूँ हमें मिश्रा बाहर घर से निकले क्यों, क्योंकि सरकार पलटनी है। विक्ट्री विक्ट्री से नगर नगरी चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी जीते, आप इस जीत को किस नजरिए से देखते हैं? भाजपा की कमी, कांग्रेस की एकजुटता या जनता का विकास के प्रति किस तरह का विश्वास रहा? हमारी नज़र में तो जो पिछले 15-20 सालों से भाजपा का एकाधिकारवाद था राजनीति में, उसके खिलाफ जन विद्रोह था एक तरह का। जी रीवा में खास तौर से, जहां और जगह तो जाते हैं, हर जगह बोलते हैं कहीं सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, रीवा को दिल्ली मुंबई बनाने वाले भी लोग हैं यहाँ पर। तो इस ऐसी स्थिति में दिल्ली ना बना ना मुंबई बना, लेकिन ये हुआ कि नर्क की स्थिति बन गई यहाँ पर पूरे शहर की। बरसात थोड़ी भी होती है तो पूरी सब जगह जहाँ ऊंचे इलाके हैं वहाँ भी पानी भर जाता है और किसी ढंग का विकास नहीं हुआ। फ्लाई ओवर को जो विकास बना रहे हैं, लेकिन ये विकास नहीं है, ये विनाश है। रीवा की जो सड़कें थी वो बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, वो ख़त्म कर दी इन्होंने। अब एक फ्लाई ओवर ये बना सिरमौर चौराहा से, उधर से पीके स्कूल से लेकर काले चौराहा, तो वो उस पर कोई आवागमन ज़्यादा होता नहीं है। उसी तरह से बस स्टैंड में बना नए बस स्टैंड में, और जो बाणसागर वाली रोड है उस पर भी उसको घुमाया उधर की ओर, तो पूरी रोडें सक्रिय हो गई और उसका जो मूल स्वरूप है सड़कों का वो ख़त्म हो गया। अब जो तीसरा फ्लाई ओवर चल रहा है डेका से कमिश्नर के बंगले तक, तो ये सड़क भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है कि रीवा में ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग केवल ये जो विकास का झुंझुना बजाएंगे या ये सब चीज़ दिखाएंगे तो लोग आकर्षित होंगे, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा, कब तक आप चलोगे? तो लोग ऊब गए। और जो परिवर्तन हुआ, यहाँ तो जो बोल रहे हैं कि हमने भाजपा का किला जीत लिया, गढ़ था ये, तो भाजपा का ये गढ़ नहीं है, ये तो दलबदलियों का जमघट है। भाजपा में पूरे दलबदलू लोग हैं, ये कांग्रेस से और समाजवादी लोग जो पद भ्रष्ट हो गए, चले गए, तो उनका ये संगठन बन गया। और यहाँ पर भाजपा की कहीं कोई मूल पकड़ नहीं है, इनको सांसद भी ढूंढना पड़ता है
और विधायक ढूंढने पड़ते हैं तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले या समाजवादी पृष्ठभूमि वाले तब जाके इनका कहीं कोई कैंडिडेट जीतता है। ये स्थिति आज भी है, आज की तारीख में भी है। क्यों जो जीते उसमें कांग्रेस की एकता भी महत्वपूर्ण योगदान निभाए, जिस तरह से लड़े कांग्रेस की योग्यता ऊपरी थी वो उस ढंग से तो देखने में लग रहा था, लेकिन मेन तो ये चुनाव जनता ने लड़ा, जनता ने परिवर्तन चाहा और लोग त्रस्त थे। किसको श्रेय दे रहे हैं ये जीत को और कांग्रेस के लिए ये कितना कठिनाई भरा दौर होगा इसको चलाना? श्रेय तो ये चुनाव में जीत का तो जनता को जाता है, ठीक है पार्टी है तो पार्टी का भी नाम होता है लेकिन मुख्य श्रेय तो जनता को ही है। अब सिंबल के रूप में कांग्रेस है, भाजपा है, कोई पार्टी जीत जाती है तो उसको श्रेय चला जाता है, लेकिन ये जनता वोट कर रही है तो जनता ही को श्रेय जाता है कि रीवा की जनता ने एक परिवर्तन किया 3 साल बाद, तो एक बड़ी उपलब्धि है ये कि हम लोग भी लग रहा था कि बदलाव होना चाहिए, बहुत दिन से लोग उब रहे थे और जो परंपरागत वोट था भाजपा का वो भी टूटा, वो भी बदलाव चाहने लगा था और जो केंद्र की राज्य की सारी नीतियाँ हैं ये भी कहीं ना कहीं आक्रोश तो सब है ही। और राजेंद्र शुक्ला कि दिल में राजेंद्र शुक्ला का महत्व तो घटा, उनका एक कद घटा, पहले मंत्री पद ना मिलना फिर ये चुनाव हार जाना, मतलब उनकी जो रणनीति थी वो फेल हुई। राजेंद्र शुक्ला जी का महत्व तो बराबर घट रहा है और वो भले किसी वजह से अपने, क्योंकि जो चुनाव में रीवा की राजनीति को पूरा पैसे युक्त कर दिया है तो राजेंद्र शुक्ला जी का योगदान है इसमें, तो जो चुनाव जिससे महंगे हो गए, इसके पहले कभी इतने महंगे चुनाव नहीं थे, ये 2003 के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है, ये तो लगता है कि पूरा चुनाव पैसे से ही संचालित होता है और आधा रोल पैसे का है आधा, तो इनका धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। जिस तरह से परिणाम आए 2024-2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसको किस तरह से देखते हैं? इनकी तो हालत ख़राब होगी निजी रूप से, राजेंद्र शुक्ला जी का तो ग्राफ बहुत गिरा हुआ है, ये तो अपने समीकरण बताते रहते हैं किसी ढंग से, पिछले बार भी जो लड़ाई हुई थी इसमें भी इनको पसीना छूट गया था और अभी तो स्थिति और ख़राब हो गई है, पूरा रीवा सौंदर्या को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और कितना दाग ये छुड़ाएंगे, वो छुड़ा नहीं पाएंगे, ये इनके पीछा करता रहेगा आखिरी दम तक, इनके जो इनके दाग धब्बा लग गया है ये नहीं मिटा सकते हैं, जीते हारे अलग चीज़ है लेकिन बेदाग नहीं है, इनको कोई बेदाग कहेगा तो बहुत ही अजीब बात है, ये बहुत ही गड़बड़ आदमी है, राजनीति के लिए कलंक है ये। सुना आपने, यह जीत कांग्रेस की एकजुटता और विगत कई वर्षों से भाजपा की जन विरोधी नीति ठेकेदारी को सबक सिखाने की है, जिसे विराट 24 विगत कई वर्षों से उठाता रहा है और हम जनता को जगाने में सफल भी हुए हैं। आइए सुनते हैं पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बघेल को कि उन्होंने इस जीत के संबंध में क्या कहा है। चुनाव में लंबे समय के बाद कांग्रेस को जीत मिली, क्या मानते हैं इसकी जीत थी भाजपा सरकार के लिए नाकामी थी? इसमें हमारा जो मानना है खुद का वो ये है कि भाजपा से लगातार जनता को निराशा हाथ लग रहा है, चाहे वो महंगाई के सवाल पर हो, चाहे सांप्रदायिक दंगों के सवाल पर हो, चाहे सांप्रदायिकता के को बढ़ावा देने के नाम पर हो, जो भी स्थिति है उसमें भाजपा के खिलाफ लगातार वातावरण बन रहा था और कांग्रेस इस बार एक साथ जुट हो करके पूरी निष्ठा के साथ चुनाव मैदान में उतरी, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। ये कांग्रेस के लिए वोट नहीं है, ये भाजपा की नाराजगी का वोट है और कांग्रेस की एकजुटता का वोट है। जनता ऊब चुकी थी कांग्रेस ये भाजपा से, इस वजह से उसने कांग्रेस को वोट दिया। विकास के नाम पर भी वही अट्टालिकाएं हैं, बाकी तो ऐसा कुछ विकास दिख नहीं रहा है और अट्टालिकाओं से लगातार के बढ़ने से ना तो महंगाई कम हो सकती है, ना ही लोगों की समस्याएं कम हो सकती हैं, ना रोजगार मिल सकता है, ना अपराध दूर हो सकता है, तो पूरा रीवा जिला तो अपराधियों के चंगुल में फंस गया है और प्रशासन पूरी तरह से पंगु बना हुआ है। ये दो सारा का सारा अपराध भाजपा सरकार के खाते में जाता है और इसी का दुष्परिणाम है कि कांग्रेस यहाँ भाजपा को पटकनी दी।
जनता नाराज थी और नाराजगी का अगर यही सबब रहा आया तो आगे विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। ये तो सब जितने पद में हैं ये सब मदमस्त हैं। ये इनका इस बार तो हम ये अगर कहें कि भाजपा को भाजपा ने हराया, पूरी तरह से भाजपा में जो कांग्रेस के भीतर भीतरघात होता था उससे बड़ी तादाद में इस बार भाजपाइयों ने भी भीतरघात किया और भाजपा को हराने का काम किया। हम तो यहाँ तक सुना गया लोगों के मुँह से कि संघ ने टिकट दिया है तो संघ वोट भी दिलवा ले, संगठन के लोगों ने काम नहीं किया भाजपा के लिए। जनता ने क्या मैसेज दे दिया है? जनता ने मैसेज दिया कि भाजपा की इस नाकामी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे, ये मैसेज गया है। कांग्रेस के लिए भी एक सीख लेनी होगी कुछ? कांग्रेस को निश्चित रूप से सीख लेनी होगी और सबसे बड़ी सीख तो कांग्रेस के लिए एकजुटता होनी होगी, इसकी सीख लेनी होगी। अभी तक कांग्रेस को कांग्रेस हराती रही, कांग्रेस को दूसरा कोई थोड़ी हरा रहा था, कांग्रेस हराती रही। इस बार उन्होंने सीख लिया है तो परिणाम बदला है। अगर भविष्य में चेतेंगे और इस पर कायम रहेंगे तो भविष्य में भी परिणाम सुखद होंगे कांग्रेस के लिए। आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन सिंह बघेल को, जिन्होंने जीत का श्रेय आम जनता को दिया है। साथ ही कांग्रेस को यह चेतावनी भी दी है कि इस जीत से कांग्रेस को भी सबक लेना होगा। अगर एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी तो निश्चित तौर पर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सफलता हासिल हो सकती है। आइए अब सुनते हैं क्रांतिकारी महिला नेत्री को, जिन्होंने कई आंदोलन कर भाजपा की नींद उड़ा दी थी और शासन काल में जेल की हवा तक खाई है, लेकिन उन्होंने अपने समाज सेवा के मार्ग से पैर पीछे नहीं हटाए। चुनाव हुए और लंबे समय के बाद कांग्रेस जीती, क्या मानती हैं आप कि किस तरह की जीत थी? कांग्रेस की एकता का थी कि बीजेपी के काम से जनता त्रस्त हो चुकी? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो चुकी थी। जो विकास के नाम पे रीवा में तोड़ फोड़ खरीद फरोश जमीनों का हुआ, विकास तो ये बताते हैं पर आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए तो रीवा का वास्तविक विकास दिखता है। बेरोजगारी बढ़ी है, महिला अपराध बढ़े हैं, इन सब कारणों से कहीं ना कहीं जनता त्रस्त होके अपना निर्णय दिया। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की एकजुटता भी काम आई है। और आपको बताएं कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस से भी अस्वस्थ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से निर्दलीय जीते हैं तो ये लगता है कि जनता का पार्टी से हट के और निर्दलियों पर ज़्यादा भरोसा था। जिस तरह से शहर की ज़मीनें दी गई, बिल्डर को दी गई, आप लोगों ने भी आंदोलन किया, मामले दर्ज हुए जी, तो जो विकास के नाम पर दिखाया जाता था वाकई ठेकेदारी चल रही थी। अब जनता को एहसास हो गया कि इस तरह का विकास किस तरह का, उसका परिणाम आया था। जी बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो समदड़िया में नए बस स्टैंड को पूरा समदड़िया कर दिया गया, फिर जो बहुत पुरानी कॉलोनी थी नरेंद्र नगर उसको भी तोड़ के समदड़िया मॉल को बेच दिया गया और बहुत ही कम कीमत में जो सरकारी ज़मीनें बिक रही हैं वो संतोषजनक नहीं थी। और हम लोगों ने आंदोलन किया और बहुत उन लोगों ने सोचा कि समझौता करें, और जब देखें कि समझौता नहीं होता है तो महिलाओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगा के और जेल भेज दिया गया। उसका भी कहीं ना कहीं देखिए दुष्परिणाम हर चीज़ का भुगतना पड़ता है। कांग्रेस को हटा के जनता ने चुना था भाजपा को क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमको तो नहीं लगता कि जनता का अच्छा दिन आया है। जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, मतलब खाने पीने की चीज़ आटा दाल चावल तक महंगा है, और सरकार ने जो एक योजना चला दी गरीबों को, तो ये बताइए कि क्या गरीब भिखारी नहीं है? वो मेहनत करके मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे, मगर आप 5 किलो गेहूं दे के उनको निकम्बा बना दिए हैं। और जो ये परिवर्तन हुआ है इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सबने ये ठाना था कि परिवर्तन अब जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।